नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर जिला प्रशासन ने इंदौर खंडवा से होकर इच्छापुर फोरलेन सड़क के लिए इंदौर जिले के 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए अवार्ड पारित कर दिया था, जिसके तहत किसानों की जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का वितरण सितंबर अंत तक करवाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क का निर्माण NHAI यानी राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। इंदौर से बड़वा, सनावद, खंडवा, बुरहानपुर होते हुए इच्छापुर फोर लेन का काम शुरू हो चुका है। इस स्टेट हाईवे 27 को अब नेशनल हाईवे ने ले लिया है। 2200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फोर लेन की फंडिंग NHAI यानी राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण और निर्माण मध्य प्रदेश स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा। इसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और संबंधित जमीन मालिकों से अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अपर कलेक्टर पवन जैन के निर्देशन में आयोजित बैठक में इंदौर जिले की सीमा से लगे 10 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के वितरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में 10 गांवों के 400 किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाना है, जिसका मुआवजा 240 करोड़ रुपए अनुमानित है। जमीन अधिग्रहण को लेकर अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए NHAI और SDM और तहसीलदारों की टीम बनाई गई है, जो जमीन अधिग्रहण करेगी और मुआवजा राशि संबंधित किसानों के खातों में जमा भी करवाएगी। इसी के साथ अधिग्रहण की गई जमीन NHAI को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि मालवा निमाड़ को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग के बनने से न केवल व्यापार उद्योग के नए क्षेत्र खुलेंगे, बल्कि आवाजाही की भी एक बड़ी परेशानी खत्म होगी। घंटों जाम से निजात मिलेगी और वाहन दुर्घटनाएं भी कम होंगी। इससे प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा वाहन चालकों को राहत मिलेगी। अफसरों के मुताबिक अभी इसकी लागत 2200 करोड़ है, जो प्रोजेक्ट शुरू होने तक 2300 से 2400 करोड़ तक पहुंच जाएगी। देखिए, इंदौर से खंडवा जो है उस रोड को फोर लेन किया जा रहा है और नेशनल हाईवे प्राधिकरण जो है NHAI वो इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें भूभजन होता है, उसमें जो SDM खोड़ेल हैं वो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन हैं और उनके द्वारा 10 गांव हमारे इंदौर जिले के आ रहे हैं। तो उसमें 3 गांव जो है वो बिचौली हफसी के हैं, 1 गांव खोड़ेल तहसील का है और बाकी 5 गांव जो हैं वो हमारे महू तहसील के आते हैं। इस तरह से 10 गांव का जो है भूभजन का अवार्ड पास किया गया है। चूँकि एक बड़ा महत्वपूर्ण गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड तो पास हो गया, लेकिन किसानों को मुआवजा राशि देना और उसके बाद जो जमीन का अर्जन किया जा रहा है उस भूमि का रिकॉर्ड अपडेट करना, NHAI को जो हम भूमि अर्जन करके दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड में अपडेशन करना और मौके पर इसको कब्जा दिलाना, ये कार्रवाई होनी है। तो इसके एक टाइमलाइन हम लोगों ने तय की कि आने वाले 20 दिनों में हम लोग इस काम को करेंगे और सभी SDM सभी तहसीलदार इसको प्राथमिकता पर रखेंगे। NHAI के अधिकारी उनके साथ रहेंगे और उसके साथ इनको जमीन का जो अवार्ड है अवार्ड के अनुसार मौके पर कब्जा दिलाना कर लोगों को जो किसान हैं भूमि स्वामी हैं उनको उसकी राशि उनके खातों में हस्तांतरित कर रहे हैं। इसमें अलग अलग गांव में अलग अलग है, टोटल लगभग 400 किसान इसमें प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी किसी की कुछ कम जमीन जा रही है कुछ ज़्यादा, इस तरह से 400 किसानों की जमीन जा रही है 10 गांव में। राशि जो भुगतान है लगभग एक टेंटेटिव लगभग एक 240 करोड़ जी हाँ 240 करोड़ इसके लिए हमने लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले जी हाँ बिल्कुल रूप से आने वाले 20 से 25 दिनों के अंदर मैक्सिमम इसी सितंबर एंड तक हम लोग इनको कब्जा दिला देंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।